पूछ रहे थे कि यार कि क्या गलती है जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था। तो आज है मंडे, जिम की छुट्टी है, बट मैं कोशिश करूंगा कि घर पे थोड़ा सा वर्कआउट लगा लूं। एंड ऑल्सो मेरा एक और पैकेज आ चुका है जो कि मैंने अनबॉक्स कर लिया है। ये मैंने लिया था बिग मसल का, प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड है, जो कि ठीक रहता है। मेरे फ्रेंड ने और मैंने डिसाइड किया कि कल सुबह सुबह जाएंगे बिल्कुल एक एडवेंचर पे। आई डोंट नो कहाँ जाएंगे, बट उसने एक जगह देख के रखी है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। प्रॉपर पूरा प्लेस को ना सर्च आउट करेंगे कि क्या है वहाँ पे और क्या नहीं। एंड ऑल्सो वहाँ पे एक ब्रिज है, मोस्ट प्रॉबली उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ पे, और मुझे भी नहीं पता, तो हम वो ढूंढेंगे पहले। एंड ऑल्सो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार तुम कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, पहले वीडियो को रोको, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं नहीं चाहता तुम लोग कोई भी फ्यूचर व्लॉग मिस करो, क्योंकि इस चैनल पे हम अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट करना नीचे कि ये व्लॉग कैसा लगा, पूरा व्लॉग देख के प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि यार अच्छा लगता है यार अगर तुम कमेंट करते हो ना, तो मतलब दिल से अच्छा लगता है। तो एनीवेज मैं आपको मिलता हूँ सुबह, वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा व्लॉग, क्योंकि मेरे कैमरे में काफ़ी लो लाइटिंग है और सुबह मेरे रूम में बिल्कुल लाइट नहीं होती, और आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब माई घर वाले। ओके सो तो इस टाइम पे मैं आया हूँ सुबह मॉर्निंग में साइकिल चलाने अपने फ्रेंड के साथ, और व्यू चेक करो यार है कि नहीं। मैं अभी इतना पछता रहा हूँ ना कि मैं DSLR क्यों नहीं लेकर आया, बट नो वरीज, बिकॉज़ व्यू काफ़ी अच्छा है एंड आते टाइम काफ़ी चढ़ाई होगी, वो ही है प्रॉब्लम। बट एनीवेज देखो क्या दिखा, और अभी इस टाइम पे तो अगर अच्छा दिखता है तो मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। जाना कहीं और था, बंदे से पूछ के हम कहीं और आ गए, पुल ये वाला है, बट हमने जाना किसी और पुल पे है जो कि अच्छा दिखता है और फोटोज अच्छी आती है वहाँ पे। एनीवेज ये रहे आज के शॉर्ट आउट, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग, एंड जय राम जी। एंड नेक्स्ट वीडियो के शॉर्ट आउट के लिए मेक श्योर यू आर कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। तो अभी हम जाएंगे वाले पुल पे, लेट्स सी अगर मिलता है, नहीं मिलता है अपडेट तो मिल ही जाएगा तुम्हें। वैसे भी ओए कितने किलोमीटर हो गए, 6 किलोमीटर हो गए हैं, काफी बहुत ज्यादा ऑफ रोड है ये वाली जो रोड है ना, काफी ज्यादा मतलब डस्टी है, और ये देख लो साइकिल का हाल यार पूरा खराब वराब हो पड़ा है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं क्या मिलता है, बाकी रास्ते का व्यू तो काफी अच्छा है, यहाँ से दिख रहा है व्यू काफी, मतलब जो रिवर का व्यू है। और यहाँ पे दो रास्ते थे भाई साहब, को गलत रास्ते से ही आना है हमेशा, बाद में फिर मेरे सिर दर्द ही डाल देगा। तो अभी आर्यन अंकल से पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाना है, बड़े आउट ऑफ नोवेयर यार, मतलब प्यार यार मतलब काट ना ले बस, बाकी सब बढ़िया है। जितना गए थे उतना ही वापस आए हैं, फुल सीधी चढ़ाई है यार, और यहाँ पे से हम छोड़ कर गए थे, सनराइज हो चुका है अभी, और अभी बहुत दूर जाना है यार। ये बंदा छोड़ के ही चल गया भाई, मारो एक व्लॉगर की जिंदगी व्लॉगर ही समझ सकता है। तो वहाँ तक गए थे हम लास्ट तक, यहाँ से पुल भी नहीं दिख रहा, इतनी दूर गए थे, और रास्ता यहाँ से था पूरा, और बीच में सारी ऑफ रोडिंग जो भी थी तुमने देखो भैया, ये है नज़ारे। तो अभी तक मुझे सच में नहीं पता कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं, बस मुझे ये कह रहा है कि दो मोड़ और हैं ऊपर, बट चढ़ाई ही चढ़ाई, अब तू मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, गुड। सो अभी पहुँचे हैं भैया, तो अभी घर जाएंगे सीधा। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, और मेरे पास इतनी सी भी पावर नहीं है कि मैं अपने शरीर उठा कर लेकर जाऊँ जिम में और इसको ट्रेन करूँ वहाँ जाके। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जिम जाऊँ या नहीं जाऊँ या सो जाऊँ चुपचाप। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड आई एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि वहाँ पे हुआ क्या। तो मैं जब यहाँ से गया तो आई थॉट कि यार कम डिस्टेंस होगा, बट एज यू कैन सी हेयर कि मैंने 16 किलोमीटर सारा डिस्टेंस कवर करा है, बट 16 किलोमीटर कईयों के लिए बहुत कम होगा, बिकॉज उनको लग रहा है कि भाई सीधी सीधी रोड है बस, बट यार यहाँ पे माउंटेन एरियाज़ में क्या होता है कि ना ढलाई चढ़ाई बहुत होती है। एंड हम चले तो गए वहाँ पे, हमें पुल का ना ऐसा पूछ लिया हमने वहाँ पे, जब आर्यन पूछ रहा था एक अंकल से रास्ता उस टाइम पे हम वापस आ रहे थे, बट जब हम जा रहे थे उस टाइम पे हमने किसी से रास्ता पूछा था और उसने बोला था कि यार वहाँ पे साइकिल नहीं जाता, और जहाँ पे हमने जाना वहाँ पे साइकिल नहीं जाता, और हमें लगा कि वहाँ पे साइकिल जाता है, तो वो प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन की वजह से हम वो जगह ढूंढ नहीं पाए
और मैं कभी आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में वो डायरेक्ट जगह दिखाऊंगा अगर तो हुआ पॉसिबल, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है यार, और मैंने लेग्स लगाई थी तो उस वजह से मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि वापसी में बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ी थी। बाकी यार तुम्हें मज़े आए तो बस मेरे लिए वो काफ़ी है, ठीक है। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को कितना जाना पड़ रहा है कितना आना पड़ रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि मतलब जैसे मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज़ को, आई गेट इट, क्योंकि कई लोगों को मैं पसंद हूँ कई लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं YouTube देखता था, जो भी मैं क्रिएटर को देखता था उसके साथ मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ। एज आई एम टॉकिंग टू यू मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं इसको लेके कि भाई अपने आप से कैसे बात कर लेते हो। तो यार मैं अपने आप से नहीं बात करता, इस कैमरे के पीछे तुम लोग हो, और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल जो लोग ये देख रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं। बस यही चीज़ मेरे को मोटिवेशन देती है कि मैं आगे वीडियोस और बनाऊं और अपने आप को बेटर बनाऊं। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड रही बात बाकी, तो यार मम्मा फिर से एक बार बुला लेते हैं व्लॉग में, बिकॉज पिछली बार व्लॉग में काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार मम्मा को ले आओ, ढंग से करना बात, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। मम्मा हर वक्त किचन में होते क्या करें, कहीं लेके जाएंगे मम्मा। हाँ अभी चलो हमारे साथ साइकिल पर चलोगे? ओह साढ़े को मोदी जी हैं, उनका हेलीकॉप्टर किराए पे ले लेंगे यार, मतलब वाह। ओके हां जी बोलो। मैं नहीं कर रहा मैं खेल ही नहीं रहा तो मैं चाहता हूँ एक आधी लाइन आप व्यूअर्स के लिए बोल दो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो आपको, पर मैं चाहता हूँ कि आप बोलो उनके लिए। खुश रहो, मस्त रहो और खूब एंजॉय करो। तो जो लोग चाहते हैं ना कि नेक्स्ट व्लॉग से मेरी मम्मी शायरी मतलब सुनाए तुम लोगों को, तो ना एक बार कमेंट करके बता दो, तो फिर यार उनको थोड़ा जोश आ जाएगा ना, थोड़ा कैमरा के आगे बोलने शुरू हो जाएंगे वो। तो ऑल्सो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई आप अपना व्लॉग किससे करते हो, तो भाई देखो सक्सेस से कर रहा हूँ अभी, चेक कर लो, और मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी कैमरे से भी कर लूँ, जैसे जो कि मैंने वीडियो बनाई थी नेवर हैव आई एवर, और अगर दोबारा कोई एक ऐसा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट कर दो, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता लगता कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। तो यार अभी जिम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि व्लॉग में जो हो रहा है वो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने बोला था भैया जो भी है डालो, तो ठीक है यही चीज़ है, अभी मैं जिम जाऊँगा, तो चलो मेरे साथ। थे कि यार कि क्या गलती है जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, तो उसमें गलती ये थी कि जो रॉड थी ना वो 10 किलो की नहीं थी, वो 20 किलो की थी। दैट मींस कि मैंने 120 के जी उठाया था, तो आज भी शायद मैं उतना ही वेट उठाऊंगा, बिकॉज़ अभी मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ साथ काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, तो मैं मोस्ट प्रॉबेबली रहने दूंगा आज। सो गाइस आज हम पानी पी रहे हैं, तो जो भी बेस्ट चीज़ लगी है ना इस ब्लॉग की तो वो कमेंट करके बता दो मेरे को एक बार। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किया यार जिन्होंने, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर लेना। और जिम में मैंने आज लगाए हैं 4 reps 120 kgs के, आई एम वेरी हैप्पी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वेट इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि मेरे को शौक है वेट उठाने का, तो मैं तभी उठाता हूँ, नहीं तो ऐसे इंजरी भी हो जाती है। जो भी करोगे ध्यान से करना। और बाकी जिन्होंने मेरे को सजेशन दी थी कि मेरे हाथ के लिए ग्लव्स वगैरह चाहिए जो भी है, वो मैंने एक टेम्प्रेरी चीज़ कर ली है, नेक्स्ट कभी व्लॉग में दिखाऊंगा तुम्हें क्या करा मैंने। एंड अपना ध्यान रखो यार, हुल्ले हुल्लारे मचाओ, और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय, पीस।